गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा को केएसआईसी कर्नाटका सिल्क बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में ग्रैंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए और दीगर पार्टी लीडर्स ने मिलकर कनीज फातिमा को फेलिसिटेट कर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स और कनीज फातिमा के चाहने वालों ने ग्रैंड वेलकम रैली निकाली, जिसमें काफी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। पार्टी ऑफिस में कैबिनेट मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल, शरणा बसप्पा दशनापुर, एमएलए आलम प्रभु पाटिल, एमवाई पाटिल के अलावा फराजुल इस्लाम, वाहिद अली फातेह खानी, मजर आलम खान, नईम खान, सैयद अहमद, गौज मद्देमोड़, अजमल गोला और दीगर कई कॉर्पोरेटर्स, पार्टी लीडर्स, वर्कर्स और दीगर लोग मौजूद थे। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा को सिल्क बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने पर गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए कांग्रेस लीडर हनुमान ओंटी और सविता ओंटी ने कनीज फातिमा को मुबारकबाद पेश कर खुशी का इजहार किया और सिल्क बोर्ड के जरिए आने वाले दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और दीगर इलाकों में होने वाले फायदे जाहिर किए हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैडम कनीज फातिमा को रेशमी बोर्ड का चेयरमैन दिए, इस वजह से आज हम गुलबर्गा के आवाम बहुत खुश है। इसलिए हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और सिद्धरामैया साहब को, डीके शिव कुमार साहब को, प्रियांका खड़गे साहब को, सबको शुक्रगुजार करते हैं। ऐसा ही मैडम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा गुलबर्गा पीछे पड़े सौ जिला है। पीछे पड़े सौ जिले को रेशमी का बड़ा इंडस्ट्रियल लाना, वैसा बोल के हम मैडम का एक नाम रहता, अच्छा काम करा दे मैडम और आगे बढ़ते जाए दे बोल के हमारा इच्छा है। मैडम के साथ गुलबर्गा का तमाम लोग है और मैडम अभी ऊँचे ऊँचे मकाम पर जान दे बोल के हमारा आशा है और ये हमारा प्रार्थना है। कमरुल इस्लाम साहब गुलबर्गा आवाम को हर एक हिंदू मुसलमान क्या भी नहीं समझते थे, सब लोगों को लीडर करे कमरुल इस्लाम साहब, उनका जैसे मैडम भी आगे आने बोल के हमारा इच्छा है।